एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने कहा, उसको एक रोटी का टुकड़ा डाल दो। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसको रोटी के बजाय सुई चुबा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आया, लेकिन उसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी। उसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़कर रोने लग गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।